जहानाबाद के रहने वाले जगन्नाथ शाह और उनकी पत्नी मीना देवी को उनके चार बेटे और एक पुत्र वधु ने कांवर में उठाकर बाबा धाम की यात्रा करवाई है, जिसे देखकर हर कोई उन्हें कलयुग का श्रवण कुमार कह रहा है। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि धरती पर भगवान स्वयं नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता को बनाया है। माता पिता का सम्मान और सेवा करने मात्र से ही बच्चों को भगवान की सेवा जितना पुण्य मिलता है, जिसका एक उदाहरण श्रवण कुमार है। हालांकि आज के समय में ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन जहानाबाद के जगन्नाथ शाह और मीना देवी वह खुशनसीब माता पिता है जिनके एक नहीं चार श्रवण कुमार है और ऐसी पुत्र वधु है जो अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर बाबा धाम की यात्रा करवा रहे हैं। हम सब देख लिए फोटो में, लेकिन भगवान साक्षात भोला बाबा के लिए है कि बांगी पर उठा करके अपना ले जा रहा हूँ। हमारे बेटा नहीं, हम सबके यही कामना करते हैं ना। यह नजारा सुल्तानगंज से देवघर तक की कांवर यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं पुत्र वधु और बेटे का कहना है कि माता पिता की सेवा ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। आज के समय में जहां परिवार टूट रहे हैं, वहीं हम एक साथ रहते हैं कि हम भैया जा रहे हैं देवघर, ये तब फिर कह के नहीं आया कि हम लेके जाएंगे माए बाप का। एक भाई यहां प्लान बनाया और वहां से अपना लेके चल दिया। और बाकी लोग कैसे साथ आ गए? साथ ही सब ही खबर गया, मोबाइल पर देखा तो सब आ गए हैं। हमको बहुत अच्छा मन में आया कि हम सास ससुर के धाम पर ले जाएं, देवघर कांवर उठा के ले जाएंगे कंधे पर। अपनी सास को आप ही डो रही है। कुल मिलाकर एक श्रवण कुमार थे जिसने अपने माता पिता को कंधे पर उठाकर धामों की यात्रा करवाई थी, और आज के इस कलयुग में एक नहीं चार श्रवणों ने अपने माता पिता को कांवर में उठाकर बाबा धाम की यात्रा करवाई है। न्यूज 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण की रिपोर्ट। सीधा जुड़ेंगे देवघर से, सहयोगी अमरनाथ हमारे साथ मौजूद है। अमरनाथ, सावन का ये पावन महीना चल रहा है, हर दिन हम अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, और आज की जो तस्वीर है वो बेहद खूबसूरत तस्वीर है कि कैसे चार बच्चे अपनी माता पिता को, और सिर्फ ना उनके बेटे बल्कि उनकी पत्नियां भी इसमें साथ दी हैं, और अपने सास ससुर को कांवर में बिठाकर धाम लेकर आई हैं बाबा के दर्शन को। देखिए राजदा, ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ कांवरिया पथ में, और कांवरिया पथ में हम इस प्रकार का दर्जनों नजारा हम देख सकते हैं। सैकड़ों का है, अलग अलग लोग मन्नत लेकर के बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आते हैं। किसी जैसे कि आज हम लोगों ने भी दिखाया अपने दर्शकों को कि कैसे एक श्रवण कुमार अपने माता पिता को यहाँ पर लेकर के आते हैं, बाबा कजरा अभिषेक कराने के लिए कांवर के रूप में बैठा करके लेकर आ रहे हैं। साथ में किस संख्या में, कितनी संख्या में लोगों ने सपोर्ट किया ये भी आप दिखा रही हैं। लेकिन साथ में आपको बताऊं कि इस पूरे कांवरिया रूट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ भांति भांति के लोग यहाँ आते हैं, और कोई किसी का कुछ मन्नत रहता है या फिर किसी का, सब अलग अलग। आज मैं आपको बात करूं, आज का सप्ताह स्पेशल आज ये है कि यहाँ पर आज पहुंचने वाली है कृष्णा बम, और कृष्णा बम के बारे में आपको बताऊं कि लगभग 1982 से वह लगातार डांट बम के रूप में एक महिला लगातार यहाँ हर सोमवार के सोमवार आती है। लेकिन अब की बार जो भीड़ को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए अब की बार उन्होंने परिवर्तन किया है, और अब की बार पहली बार मंगल को आज पहुंच रही है, और उनके स्वागत में या फिर कहें कि उनके दर्शन को लेकर के पूरा का पूरा ये सुल्तानगंज से लेकर के जो देवघर का तक का ये रहता है सड़क कांवरिया पथ, उसमें अगल बगल लोग इकट्ठे होने लगते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद वो यहाँ आने वाली है, लगभग 10 बजे के आसपास पहुंचने वाली है, देवघर पहुंचेंगे। तो समझिए कि लोगों का अपना एक बाबा के प्रति जुनून है, लोग अलग अलग ढंग से बाबा को सेवा करना चाहते हैं, बाबा को मनाना चाहते हैं, और इसी कड़ी में चाहे वो श्रवण कुमार पहुंच रहे हों या फिर कृष्णा बम पहुंच रहे हों, सबका अलग अलग अपना एक ये बाबा को मनाने का एक तरीका है, और उसी तरीके अपने तरीके से बाबा को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और दो साल के बाद लोगों को ये मौका मिल रहा है अमरनाथ की वो बाबा धाम पहुंचे, जल अर्पण करे। बहुत सारे कांवरिया आपके पीछे से गुजर रहे हैं, जरा उनसे दो चार बात कर ले, कहां से पहुंच रहे हैं, क्या मन्नतें हैं उनकी, और कैसा लग रहा है दो साल के बाद यहाँ आकर।
जरूर हम अपने दर्शकों से बात जो आ रहे हैं यहाँ पर कांवरिया उनसे बात करेंगे। कहाँ से आप आ रहे हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से कब से आप आ रहे हैं यहाँ? हम तो 2012 से आ रहे हैं। 2012 से आ रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ आकर के देवघर? बहुत आनंद लगता है। 2 साल बाबा से दूर रहे, बहुत कष्ट हुआ। क्या मांगने आए जी? क्या मांगने आए बाबा से? बाबा से ही कि सब लोग खुशहाल रहे। खुशहाल जी। आप कहाँ से हैं? बेगूसराय। बेगूसराय से आप लोग कितने लोग हैं? 5 आदमी। 5 लोग सभी आप लोग साथ आए? बाबा साथ आए। अब आप समझिए राजा कि ये बेगूसराय से लोग आए हैं, और भी कुछ महिला बंधु हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए आप? देवघर। रास्ते में कहीं कोई समस्या? कोई कठिन? बाबा कृपा से बहुत अच्छे से पहुँच गए, बहुत मन लगा, बहुत अच्छा रहा रास्ते में। देखिए कांवरिये का एक सुकून सुकून भरा और सुईया पहाड़ जो होता था वो अपने आप में ये था। कहाँ से आ रहे हैं आप? सुल्तानखंड। आवाज नहीं आ रही है। सुल्तानखंड घर कहाँ हुआ? भागलपुर। भागलपुर जा रहे हैं। कितने साल से आ रहे हैं? 15 साल। किस प्रकार जो श्रद्धालु है उनके गले से आवाज नहीं निकल रहा है, पूरे रास्ते जो लोग आते हैं देखिए कुछ अनोखा पावर भी लेकर के लोग आ रहे हैं। लोग हम इनसे बात कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हावड़ा से आ रहे हैं। कितना ग्रुप है आप लोगों का? हम लोग का 10-15 लड़का का ग्रुप है। 15-20 उसको चले लेकर शुक्रवार से। शुक्रवार से में कहीं कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं बनी। बाबा को हमसे मांगने के लिए आप? बाबा जो दे दे खुशी से। और रास्ते में कहीं कोई कठिनाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम सब हंसते हंसते आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद। एक बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी बाबा के जनाब के सहारे, इसी बाबा के सहारे यहाँ पर 105 किलोमीटर की यात्रा करके जी। बिल्कुल, अमरनाथ जो तस्वीर है वो हर दिन की तस्वीर है, और ऐसी तस्वीर 2 साल के बाद देखने को मिल रही है, इसीलिए लोगों में और भी ज्यादा उत्साह है, ताकि बीच में जो भी कठिनाई भी आती है तो लोग उसे खुशी खुशी सहन कर लेते हैं और बाबा धाम पहुंच रहे हैं। तमाम ताजा अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरनाथ, जानकारी के लिए। तो देवघर में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।